नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में जो अधिकतर हर व्हीकल में होते हैं, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल। दोस्तों, ये है पंप, जिसका काम होता है डीजल को प्रेशर से इंजन के पिस्टन के ऊपर गिराना, ताकि घर्षण होकर आग पैदा कर सके। ये जो आपको पाइप दिख रही है, सीधा टंकी से आती है और पंप के अंदर जाती है। इसका दबाव केवल इतना सा होता है कि यहाँ तक डीजल होना, तब भी ये यहाँ पर डीजल पहुँचाती है, और फिर ये डीजल को यहाँ पर यहाँ से ये करता है, फिल्टर करता है, और इस फिल्टर के अंदर पहुँचाता है। इस फिल्टर से फिर जाता है पंप के अंदर। फिल्टर यहाँ लगे होते हैं, यहाँ पर भी फिल्टर होते हैं, ये इसको फिल्टर कर देते हैं, फिर पंप के अंदर। ये इसमें केवल पानी रुकता है, पानी जो आ जाता थोड़ा बहुत, वो इससे निकल जाता है, इसके अंदर जाता है। जो हम सेल्फ मारते हैं तब ये स्टार्ट हो जाता है, और इंजन के पावर से ये चलता है। फिर ये इसको प्रेशर से इस नली, ये तीन नली जो आपको दिख रही है, 1 2 3, ये तीनों नली से इंजन के अंदर भेज देता है। और ये होता है रेस, जिससे कि इधर इधर दबाने से स्पीड में डीजल को भेजता, ताकि इसका आरपीएम बढ़ सके। और ये होता है, जो ये दिख रहा है, ये इसका स्टेयरिंग है। ये देखो, स्टेयरिंग है जो इससे, इस स्टेयरिंग से घूमता है। और ये होता है क्लच, जिसको दबाने से इंजन और गियर का कनेक्शन हट जाता है, और इसको छोड़ने से वापस कनेक्शन जुड़ जाता है। और ये दोनों गियर है, एक हाई गियर है जो लो में चलता है, हाई में चलता है, और एक है थ्रेसर का पीटीओ गियर। यहाँ से डीजल डलता है, और इंजन कनेक्टर आप सब भी यहीं पे होती है। आगे जो देख रहे हैं रेडिएटर है, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को।